बड़ी मीडिया आप देख रहे हैं प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दे। राजस्थान इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर झेल रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लॉकडाउन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का भी आज बड़ा बयान सामने आया है। स्कूल कॉलेजों से जुड़ा यह बड़ा बयान है, उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी अपडेट आपको दे दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज PCC में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। लॉकडाउन की कोई विचार नहीं लॉकडाउन लगाने का। हम चाहते हैं कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, जनहित के अंदर है, वो डिस्टेंस मेंटेन करें, सैनिटाइज करें, हाथों को मास्क लगाए और वैक्सीन लगाए। ये बहुत आवश्यक है और वैक्सीन ने बचा किया। अभी जो आप देख रहे हो बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान में फिलहाल पूरी तरीके से लॉकडाउन का विचार नहीं है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की CM गहलोत ने सलाह है जरूर दी है। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि जयपुर जोधपुर को छोड़कर प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है। अगर किसी जिले में स्थिति बिगड़ती है तो वहां कलेक्टर स्कूलों को लेकर आदेश जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद नहीं होंगे। यानी कि राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद भी फिलहाल जयपुर जोधपुर को छोड़कर अन्य जिलों में स्कूल बंद नहीं होंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर किसी जिले में स्थितियां बिगड़ती है तो वहां कलेक्टर के आदेशों पर स्कूलों को बंद किया जा सकता है, लेकिन कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेजों में पढ़ाई चलती रहेगी। तो यही थी प्रदेश की शाम की कुछ बड़ी अपडेट। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।